धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के सोम कॉन्वेंट गुरुकुल स्कूल के प्रांगण में चल रही हॉकी चैंपियनशिप नॉर्थ जोन टूर्नामेंट का समापन हो गया। कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथि के रूप में एनआरआई चॉइस ग्रुप WLL के मैनेजिंग डायरेक्टर MS बुखारी थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सोम कॉन्वेंट स्कूल के चेयरमैन सुभाष चौहान ने की तथा कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मिस एंड्रिया हॉकी प्रमोटर जर्मनी थी। तालियों की गुंजड़ाहट है कि हमारे बच्चे MS बुखारी जी का इंतजार कर रहे थे। एक जो हमने उनको बताया कि ये किस प्रेरणा स्रोत हैं, तो उसका वो इंतजार कर रहे थे और वो घड़ी हमारे बीच आ गई, वो हमारे बीच में मौजूद हैं। आधे घंटे का ये मैच चलेगा। मैं चाहूंगा कि हुनर को आप दिखाएं और बुखारी साहब जो हैं हुनर पहचानने के माहिर हैं। वो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे बच्चे का हर तरह का हुनर वो पहचानते हैं और उनके कई इस तरह के प्रोजेक्ट्स काम पे चलते रहते हैं। ही इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, ही इज अ मल्टीपल एंटिटी। और मैं चाहूंगा कि वो यहाँ कुरुक्षेत्र में आए, माँ भारत की भूमि पे आए, तो उनके लिए ये पल जीवन भर याद। महिला हॉकी टीम अंडर 14 वर्ग में रामप्रसाद DAV स्कूल कुरुक्षेत्र की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। इसके अलावा द्वितीय स्थान पानीपत के चंदनवाल विकास स्कूल ने द्वितीय स्थान हासिल किया। पुरुष वर्ग अंडर 14 में सोम कॉन्वेंट गुरुकुल स्कूल घड़ासी ने प्रथम स्थान हासिल किया और दूसरे स्थान पर शाह सतनाम स्कूल सिरसा रहा। लड़कों की अंडर 19 वर्ग में शाह सतनाम स्कूल सिरसा ने हॉकी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया तथा सोम कॉन्वेंट स्कूल घड़ासी ने द्वितीय स्थान हासिल किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि MS बुखारी व अन्य अतिथियों ने खिलाड़ियों का परिचय लिया और खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की कामना की। सबसे पहले तो मैं CBSE बोर्ड जो है उनको मुबारकबाद देता हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में, इसमें मिनिस्ट्री के अंडर में HR डिपार्टमेंट में आते हैं, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि फॉर अरेंजिंग सच ए टूर्नामेंट एंड फॉर टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज के द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग के स्पोर्ट्स रियली हैज बीन इम्प्रूव्ड अ लॉट। दे हैव बीन एनकरेजिंग आई मीन स्पोर्ट्स अ लॉट, स्पेशली आर हॉकी जो कि साइडलाइन हो चुकी थी, अभी तक बहुत सी नज़रअंदाज हो चुकी थी ये स्पोर्ट और ये गेम जो है इसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ, उनका शुक्रगुजार भी हूँ। एंड एट द सेम टाइम मिस्टर सुभाष चौहान के जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को जब इनको दिया गया तो उन्होंने बखूबी उसको लिया और जिम्मेदारी से उसको निभाया। एंड ही हिमसेल्फ इज अ स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट और इनका जो स्कूल है सोम गुरुकुल के जिन्होंने ये सारे अरेंजमेंट्स किए और इस वक्त भी जो मैं हॉकी देख रहा हूँ विच इज क्वाइट ए गुड स्टैंडर्ड बिकॉज मैं खुद भी एक स्पोर्ट एंथुसियास्ट हूँ, हॉकी एंथुसियास्ट हूँ और इनके साथ जो जुड़े हुए हैं मिस्टर तारिक मरहूब जो हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं, आज से नहीं जमाने से इनको भी जानता हूँ मैं कि जो ISPD प्रोग्राम चलाते हैं और बच्चों के स्किल्स को डेवलप करने का प्रोग्राम सोम गुरुकुल में ही चला रहे हैं, तो ये एक बड़ा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है कि जहाँ इंटेलिजेंस भी बढ़ाई जा रही है, एक एकेडमिक एजुकेशन को भी बढ़ावा तो हो ही रहा है स्कूल के तहत और एट द सेम टाइम हॉकी के जरिए ओवरऑल स्पोर्ट्स को, हेल्थ को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इट्स ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन विच शुड बिकम एज अ मॉडल इन इंडिया एंड इट शुड बी अडॉप्टेड बाय अदर स्टेट्स एंड अदर प्लेसेस आल्सो। और भी अच्छी अचीवमेंट है क्योंकि जब जवान बच्चे और बच्चियों को स्पोर्ट्स पे लगाया जाता है तो हेल्थ कॉन्शियस तो वो हो ही रहे हैं, हेल्थ उनकी बेहतर हो रही है और वो सारी उस किस्म की एक्टिविटीज जो जवान हमारे बच्चे या बच्चियां जिसमें कई बार इन्वॉल्व हो जाते हैं उससे भी बचेंगे, अच्छी बेटर पर्सनालिटीज बनेंगे जिससे भारत भी बढ़ेगा, देश भी बढ़ेगा, हिंदुस्तान डेवलप होगा, तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग। और इसी वजह से मुझे जब एक बार तारिक साहब ने कहा कि आपको आना है यहाँ तो मैं कतर से बतौर खास खुद इसीलिए मैं आया और एक ही दिन के लिए कि मैं यहाँ पहुंच जाऊं और आके सिर्फ इन लोगों को एनकरेज ही नहीं करूं, बढ़ावा नहीं दूं, बल्कि जो भी सपोर्ट हो सकती है वो करने को हमेशा तैयार रहूंगा।